अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम तक हमने हैलो फॉर्म रिएक्शन को डिस्कस किया था। हैलो फॉर्म में एक हमारे पास टाइप आते हैं जी, आइडो फॉर्म रिएक्शंस। आइडो फॉर्म रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और याद रखिए भाई, यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगा। ये पॉइंट्स हर एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है। सबसे पहली बात कि आइडो फॉर्म टेस्ट होता क्या है। आइडो फॉर्म टेस्ट में हम क्या करते हैं जी, एक्वस NaOH यूज़ करते हैं और आयोडीन की मौजूदगी में येलो पीपीटी बन जाते हैं। सही है। द रिएक्शन इन विच आयोडीन इज एडेड, I2 इज एडेड इन द सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हम क्या करते हैं, आयोडीन ऐड करते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी मौजूदगी में, प्रेजेंस ऑफ एक्वस एनएओएच सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में हम ये काम करवा रहे होते हैं। इसको हम कहते हैं इज कॉल्ड आइडोफॉर्म टेस्ट या आइडोफॉर्म रिएक्शन। अच्छा, आइडोफॉर्म टेस्ट भी बार दफ़ा कह देते हैं, आइडोफॉर्म रिएक्शन भी कह देते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, इससे आप मुख्तलिफ कंपाउंड्स की पहचान कर सकते हैं। मसलन आपने ना सबसे पहले सोल्यूशन लेना होता है जिस चीज़ का आप आइडोफॉर्म टेस्ट करवाना चाहते हैं। एक बीकर के अंदर आपने उस सोल्यूशन को ले लेना होता है। अब इस बीकर के अंदर आपने ऐड कौन सी चीज़ करनी है, सबसे पहला काम है जी सोल्यूशन ले लो बीकर के अंदर। सेकेंड नंबर पे आपने इसी बीकर के अंदर ऐड करवा देना है कौन सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन सी चीज़ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करवाना है NaOH। मैं सिर्फ ये चीज़ पता करना चाहता हूँ कि ये जो सोल्यूशन है इसके अंदर कोई, ये जो कंपाउंड मैं बता रहा हूँ, मिथाइल कीटोन, एसिटल्डिहाइड, इथेनल, ये वाली चीज़ें इस सोल्यूशन के अंदर मौजूद है या नहीं है। सही है। तो इसके लिए मैं आइडोफॉर्म टेस्ट करवा रहा होता हूँ, आइडोफॉर्म रिएक्शन करवा रहा होता हूँ। सही है। अब NaOH डाला, इसके बाद सेकंड नंबर पे आयोडीन डालनी है। आयोडीन होती है सॉलिड फॉर्म में। अगर तो ये आइडोफॉर्म पॉजिटिव हुआ, अगर तो इसने दो पॉसिबिलिटी हैं कि ये रिएक्शन करे, यानी कि रिएक्शन अक्कर, यहाँ पर रिएक्शन हो जाए, रिएक्शन अक्कर। जैसे ही रिएक्शन अक्कर तो होता है तो यहाँ पर येलो PPT बन जाएंगे, येलो PPT बन जाएंगे, पीले रंग का प्रेसिपिटेट बनते हैं। प्रेसिपिटेट होता है क्या, जिस तरह दूध ख़राब होता है ना, वो पुट्टियाँ सी बन जाती हैं, उसको हम प्रेसिपिटेट का नाम देते हैं। सिंपल हम PPT लिख देते हैं, यानी कि येलो रंग के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। अगर तो रिएक्शन नहीं हुआ, सेकंड पॉसिबिलिटी क्या, नो रिएक्शन अक्कर। अगर रिएक्शन नहीं होगा तो कोई येलो PPT नहीं बनेगा, सेम का सेम सोल्यूशन पड़ा रहेगा। नो येलो प्रेसिपिटेट PPT। अब इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, कहाँ कहाँ पर हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम लिखेंगे जी इसकी इंपॉर्टेंस या एप्लीकेशंस। अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूँ तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस ये है कि मुख्तलिफ चीज़ों को अलहदा करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किन किन चीज़ों को डिस्टिंग्विश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सही। इट इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, या लिख लेते हैं आइडोफॉर्म रिएक्शन। जो आइडोफॉर्म रिएक्शन होता है ये क्या करता है, इज यूज टू डिस्टिंग्विश होता है फ़र्क करने के लिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन, किस किस के दरम्यान में फ़र्क करने के लिए, बिटवीन द, इन चीज़ों के दरम्यान में। तीन चीज़ें होंगी हमारे पास। पहले नंबर पे मिथाइल कीटोन्स फ्रॉम अदर कीटोन्स मिथाइल कीटोन्स को दूसरी कीटोन से अलहदा करने के लिए। अच्छा, मिथाइल कीटोन होती कौन सी हैं, ऐसी कीटोन जिसके अंदर ये वाली चीज़ मौजूद हो, कम से कम ये वाली चीज़ मौजूद हो, उसको हम मिथाइल कीटोन कहते हैं। ये अब आर इस साइड पर जितना मर्जी लंबा कर लो, आर की जगह पर जो मर्जी इथाइल लगा लो, मिथाइल लगा लो, प्रोपाइल ब्यूटाइल, यानी कि उस कंपाउंड के अंदर ये वाली चीज़ होना ज़रूरी है। जिसके अंदर ये वाली चीज़ होगी इतनी हिस्सा, उसको हम नाम देंगे मिथाइल कीटोन का, उसको हम नाम देंगे मिथाइल कीटोन, क्योंकि इसमें एक मिथाइल ग्रुप आ गया, इसे हम इसको मिथाइल कीटोन का नाम दे रहे होते हैं।
पहले नंबर पे मिथाइल कीटोन को दूसरी कीटोन से अलग करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। सेकंड नंबर पे एसिड अल्डिहाइड को बाकी अल्डिहाइड से अलग करने के लिए क्या है जी, एसिड अल्डिहाइड, ये ऊपर वाली लाइन बिल्कुल इसी तरह आएगी। आइडोफॉर्म रिएक्शन इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड अल्डिहाइड फ्रॉम अदर एल्डिहाइड। एसिड अल्डिहाइड को दूसरे एल्डिहाइड से अलग करने के लिए भी यही काम किया जाता है। अच्छा, एसिड अल्डिहाइड है क्या हमारे पास, ये वाली चीज़ एसिड अल्डिहाइड कहलाती है, CH3C डबल बॉन्ड O, ये वाली चीज़ सिर्फ वहाँ ये वाली चीज़ है जो के आइडोफॉर्म टेस्ट दे रही होती है। तो अब यहाँ पे गौर करेंगे ना आपको एक चीज़ दोनों में कॉमन मिलेगी, ये सेम चीज़ यहाँ पे मौजूद है, सही है क्या, फॉर्मल्डिहाइड वो रिएक्शन नहीं देता, वहद जितने भी एल्डिहाइड हैं ना फॉर्मल्डिहाइड देता है ना आगे वाले जितने भी होंगे कोई भी ये रिएक्शन नहीं दे रहा था, वहद एसिटल्डिहाइड ये रिएक्शन देता है, सही है। अब इसके बाद नेक्स्ट है कि सेकेंडरी अल्कोहल्स फ्रॉम अदर अल्कोहल्स सेकेंडरी अल्कोहल्स को दूसरी अल्कोहल से डिस्टिंग्विश करने के लिए भी हम आइडोफॉर्म टेस्ट करते हैं। अगर मैं प्रिसाइजली कहूँ तो सेकेंडरी अल्कोहल भी वो वाले जिसमें OH ग्रुप कहाँ पे लगाओ, सेकेंड कार्बन एटम पे, सही है। सेकेंडरी अल्कोहल कौन सी, जहाँ पे हैविंग OH ग्रुप ऑन सेकेंड कार्बन, हैविंग OH ग्रुप ऑन सेकेंड कार्बन एटम, जहाँ पे सेकेंड कार्बन एटम के पास ये वाला OH ग्रुप लगाओ उसको बाकी अल्कोहल से अलहदा करने के लिए हम ये वाला काम कर रहे होते हैं, मतलब प्राइमरी अल्कोहल या टर्शरी अल्कोहल से डिस्टिंग्विश करने के लिए ये वाला काम करते हैं। अच्छा, प्राइमरी अल्कोहल में से ना सिर्फ एक अल्कोहल जो ये टेस्ट देती है वो इथानल है। प्राइमरी अल्कोहल्स में से सिर्फ और सिर्फ इथानल ऐसी है जो कि ये टेस्ट देती है, बाकी कोई अल्कोहल प्राइमरी में से नहीं देती, टर्शरी में से कोई भी नहीं देती। सेकेंडरी में से कौन देती हैं, ऐसी अल्कोहल देंगे जिसमें OH ग्रुप सेकंड नंबर पे लगा होगा, मसलन ये वाले हमारे पास CH3 यहाँ पे OH लगा दो, ये हमारे पास सेकंड कार्बन एटम पे लगा हुआ है, इसे हम कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप सेकंड कार्बन एटम पे लगा हो वो वाली ये वाला रिएक्शन दे रही होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास है जो लास्ट वाला काम के इथेनॉल फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स। अच्छा, इथेनॉल याद रखिएगा ये आम पीने वाली शराब है, इथेनॉल हमारे पास आम पीने वाली शराब है, सही है। आइडोफॉर्म टेस्ट या आइडोफॉर्म रिएक्शन को हम यूज़ करके इथेनॉल की पहचान कर सकते हैं बाकी अल्कोहल से। अगर आप ये वाली चीज़ें इथेनॉल के अंदर डालेंगे तो वो येलो पीपीटी प्रेसिपिटेट बना देगी, बाकी कोई भी अल्कोहल प्राइमरी नहीं बनाती। इसी तरह का ये भी कह सकते हैं कि इथेनॉल फ्रॉम कहाँ से, मिथानॉल। अब याद रखिएगा इसका हर एक का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आए कि हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथाइल कीटोन एंड अदर कीटोन्स, हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथाइल कीटोन फ्रॉम अदर कीटोन, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिटाल्डिहाइड फ्रॉम अदर एल्डिहाइड। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन सेकेंडरी अल्कोहल फ्रॉम अदर अल्कोहल्स। हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड मिथेनॉल, ये वाला क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है, सही है। इसलिए ये हमारे पास सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और इनके रिएक्शन हमने कल किए हुए हैं, मिथाइल कीटोन का भी किया हुआ है, एसिड अल्डिहाइड का भी किया है, सेकेंडरी अल्कोहल का भी और इथेनॉल का भी, सही है। वहाँ पे विद रिएक्शन पहले तो आपने ये बताना है कि आइडोफॉर्म टेस्ट करें, आइडोफॉर्म टेस्ट करके आप ये काम कर सकते हैं। अच्छा, आइडोफॉर्म टेस्ट का वर्ड इस्तेमाल करेंगे ना आपको एक नंबर दे देगा, बाकी एक नंबर होगा क्योंकि आपने आधा बता दिया कि आइडोफॉर्म टेस्ट इस्तेमाल करो। अब उसको इस्तेमाल कैसे करना है, रिएक्शन क्या होता है, वो चीज़ आपने बतानी है। और आइडोफॉर्म टेस्ट में ये वाली चीज़ लाजमी बताइएगा कि जब आइडोफॉर्म टेस्ट होता है तो प्रेसिपिटेट किस कलर के बनते हैं, येलो रंग के बनते हैं। और ये भी याद रखिएगा जो आइडोफॉर्म होता है वो असल में CH3, ये वाली चीज़ हमारे पास आइडोफॉर्म होती है, ये वाली चीज़ क्या होती है, आइडोफॉर्म होती है, और इसी का हमारे पास येलो कलर आता है, इसी चीज़ का येलो प्रेसिपिटेट आ रहे होते हैं। बस ये बात हमारे पास है जी आइडोफॉर्म टेस्ट के बारे में, या आइडोफॉर्म रिएक्शन भी कह सकते हैं, यही हमारे पास आज रिएक्शन। अल्लाह हाफिज़।